सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम पढ़ रहे थे जो लोग भगवान की, वेद की, ऋषियों की, समाज की, लोक की, संविधान की मर्यादा को जो स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका अस्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, और जब वो ऐसा आचरण करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका प्रतिफल क्या होता है, क्योंकि हर बीज का एक विशेष फल होता है। यहाँ पर उसका एक अलग, उस बीज का पौधा या वृक्ष बनता है, अलग उसके फल फूल होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। ऐसे ही हम कर्मों के भी बीज बोते हैं, तो सत्कर्मों के बीज से अलग प्रकार का जीवन बनता है और अलग प्रकार के फल मिलते हैं, और दुष्कर्मों से एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व बनता है, अलग प्रकार के उसके फल मिलते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा था, उसके फल क्या है। दैवी संपद का पहले पढ़ा, सत्कर्मों का, शुभ कर्मों का। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है, प्रतिपल जागरूक है, भगवान की अनन्य भक्ति में रहता है, उसका जीवन कैसा बन जाता है, उसका व्यक्तित्व कैसा बन जाता है वो बताया, उसका फल क्या होता है वो बताया। अभी बता रहे हैं कि जो किसी की मर्यादा को नहीं मानते, उनकी अपनी ही मन घड़ंत मर्यादाएं होती हैं, अपने मन घड़ंत उनके अपने शास्त्र होते हैं, और उसके अनुसार वो आचरण करते हैं, तो करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी करें, लेकिन फल भोगने में वो परतंत्र हैं, फल से नहीं बच सकते। तो उनको क्या प्रतिफल मिलता है, ये प्रसंग चल रहा था। पीछे वाले पाठ से कोई प्रश्न है आपका? हाँ, जिनके प्रश्न है वो माइक ले लीजिए और पूछ लीजिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, जैसे आपने कल बताया था कि हम अगर जो हमारे शरीर को भी तकलीफ देते हैं, तो ये भी मतलब एक भगवान का वो अपमान है। सबसे पहले वो ही सुना कि हम जैसे सुबह सुबह उठते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उसको बंद करें। जी पूछो, अपने मतलब की बात सुनते हैं लोग। तो आपने ही तो बोला था कि हमें दूसरों को नहीं पूछना है, हमें हमारा पूछना है। हाँ, मैंने ही बोला था, पूछिए आप। तो एक दिन आपने बोला था कि कम से कम 7 दिन में 1 दिन भूखा रहना, कम से कम उपवास कर लेना। हाँ। या फिर जो भी हमें थोड़ा सा त्याग तपस्या करनी चाहिए। हाँ। तो उसमें भी तो हमारे शरीर को तकलीफ हो रही है। उतने में भी 8 दिन में 1 दिन में भी तकलीफ तो हो तो रही है ना, उसमें तकलीफ नहीं, आराम मिलता है। मशीन बिचारी ओवरलोड हो करके परेशान हो रखी है। एक बार जो खाना डालते हैं ना जी, वो पूरा प्रोसेस, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में जाने के लिए उसको 18 घंटे चाहिए होते हैं, एक बार जो खाया। और आप तो सुबह नाश्ता कितने बजे करते हैं? 7:30-8 फिनिश करते हैं, और 12 बजे फिर टूट पड़ते हैं। 18 घंटे चाहिए उसको, आप तो 4 घंटे में ही उस पे और डाल दिया। और फिर शाम को कुछ बीच में तो नहीं लेते 4 बजे? तो चलो ये तो शुक्र है, नहीं तो कुछ स्नैक्स लेते हैं 4-5 बजे। फिर तो हर 4-5 घंटे में कुछ डाल देते हैं। और आप तो गुरुकुल में रहने वाले हैं, जो घर में रहने वाले हैं वो
थोड़ी थोड़ी देर में कोई अतिथि आ गया, चाय डाल दी, फिर बिस्किट डाल दिए, फिर कुरकुरे डाल दिए, फिर मुरमुरे डाल दिए, फिर आइसक्रीम डाल दी, पता नहीं क्या क्या डालते ही डालते जाते हैं। तो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं ना, उनको हमारा प्राण ही ठीक कर देता है, और जो हमारे दोष हैं शरीर में उनको भी प्राण ठीक करता है, अगर प्राण पुष्ट हो तो। लेकिन प्राण को बेचारे को रिपेयरिंग ठीक करने के लिए टाइम मिले तब, प्राण को तो पूरा पेल रखा है उसके ऊपर, आंत के ऊपर ही, वो रिपेयरिंग कब करे? वो खाना पचाने में ही लगा रहता है बेचारा। इसलिए जो योगी होते हैं वो इसीलिए बीमार नहीं होते हैं, उनका जो प्राण है वो बहुत खाली खाली रहता है, एंगेज नहीं रहता है, तो वो सारी शक्ति ना पूरे शरीर की मेंटेनेंस में ही लगा देता है प्राण अपनी शक्ति। कहाँ क्या रोग हुआ है वो खुद ही ठीक कर लेता है प्राण ही उसको, उसको कोई औषधि खाने की जरूरत नहीं, या खाते भी हैं तो कोई जड़ी बूटी ऐसी हर्बल खाते हैं, तो हम उसको अवकाश देते ही नहीं है मशीन को। तो कम से कम एक बार जैसे खाया, मतलब योगी की बात करें जिसको साधना करनी है ना, तो एक बार जैसे दोपहर में खाया, फिर उसके बाद कल दोपहर में खाना, शाम को कुछ दूध ले लो, फल ले लो, सूप ले लो, सुबह उठ करके भी कुछ अंकुरित ले लो, कुछ फल ले लो, कुछ जूस ले लो, ऐसी हल्की चीजें ले लो, 24 घंटे का उपवास, 22 घंटे का उपवास, 18 घंटे का उपवास, उपवास मतलब ये रोटी चावल आदि ऐसी चीजें नहीं खाना, उपवास में फल आदि तो खा ही लेते हैं ना, तो रोजाना कम से कम 8-10 घंटे का उपवास, 12 घंटे का उपवास तो सबको करना चाहिए रोज। एक बार ऐसा खाया ना जो ठोस, उसके बाद कम से कम 10-12 घंटे के बाद डालना चाहिए, क्योंकि उसको 18 घंटे लगेंगे आगे निकलने में, तो फिर ज्यादा रोग आते नहीं है, आहारी चिकित्सा है अपने आप में, और आहार ही रोग का कारण भी है और आहार ही आरोग्य का कारण भी है। आहार यदि ठीक रहे हमारा, कम खाएं और नियत समय पर खाएं, तो प्राण को आदत बन जाती है, भाई इस समय ये डालेगा इसमें, तो इस समय मुझे सारी शक्ति खाने पे लगानी है, बाकी की सारी शक्ति फिर वो नई नई खोज करता है अंदर से, बुद्धि क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, कहीं कोई त्रुटि हुई है शरीर में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, भाव में, विचार में, उसको ठीक करता है। तो उसको टाइम चाहिए प्राण शक्ति को, प्राण शक्ति से ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। तो मैंने कल ये बताया था कि कष्ट देना भी ब्रह्म को ही कष्ट देना है, तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि मतलब जितना हम थोड़ा बहुत तप कर सकते हैं वो भी ना करें। योग दर्शन में भी कहा कि तप तो करना है, और यहाँ दैवी संपद में भी बताया तप, त्याग, जो 26 गुण है उसमें आया ना, तप भी आया, त्याग भी आया, लेकिन वो यथाशक्ति करना है, इतना बताया। शक्ति का अतिक्रम करके जो तप आदि किए जाते हैं तो उससे उस व्यक्ति को खुशी नहीं मिलती। 8 दिन में एक बार उपवास करते हैं तो मन को खुशी मिलती है, हल्का हल्का रहता है शरीर, मन भी हल्का हल्का रहता है, और वो जो मतलब अंदर से तो ऐसे लग रहा है कि खा लें और बाहर से दंभ के कारण खाते नहीं हैं, तो वो फिर अपने आप के साथ ही चीटिंग करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को सताते हैं, और अपने आप को क्या सताते हैं, अपने अंदर बैठे हुए ब्रह्म को ही सताते हैं, ऐसा इनका कहना था। क्योंकि गीता का जो साधना का तरीका है वो मध्यम मार्ग का है, ये अति को पसंद नहीं करते हैं, अति खाना भी पसंद नहीं करते हैं और अति भूखा रहना भी पसंद नहीं करते हैं, अति राग भी पसंद करते हैं, अति वैराग्य भी नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं अपने कर्मों को दिव्य बनाओ और सहज रूप से चलो, सहज समाधि, इन्होंने योग की परिभाषा ही वो कर दी, समत्वम योग उच्यते, समता में रहो, इधर या उधर मत रहो, बिल्कुल भूखा रहना या बिल्कुल खाते ही रहना, ये दो छोर हैं, ये कह रहे बीच में रहो, जितना खाना नितांत आवश्यक है शरीर के लिए उतना दे दो इसको,
बाकी खाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, ऐसे मत सोचो। जन्म के लिए कुछ खाना है, जीने के लिए। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। मरना जाए इसलिए थोड़ा खाना है। तो ये मध्यम मार्ग को लेके चलते हैं गीताकार, ये और छोर पे जीने को पसंद नहीं करते हैं। और दीदी एक और, जैसे कि हम जो, जैसे कि हमारे संस्कार बनते हैं, जैसे खाना पीना सुनना जो भी हम करते हैं उन सभी से संस्कार बनते हैं। तो मैं मतलब किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर बाकी हमारी जो बहनों के इधर हैं, हर मतलब शाम को जैसे संध्या का जो समय होता है उसमें अल्लाह मेरे मौला मेरे वो दो तीन गीत रोज लगाए जाते हैं। या फिर हमारे जैसे गुरुकुल में भी घूमते फिरते जो भाई जैसे फिल्मी गीतों का गाना, तो एक छोटी सी बात है हम जो सुनते हैं तो थोड़ी देर हमारे दिमाग में भी वो उसका प्रभाव बना रहता है, हमारे मुंह में भी हम न चाहते हुए भी वो बार बार हमारे दिमाग में आता है। जैसे कि मान लो हमारे यज्ञ यज्ञ में जो प्रार्थना होती है, तो जो भी गीत की जो प्रार्थना होती है वो थोड़ी देर हमारे मुंह पे रहती है, तो उसका कैसे क्या? ये कोई प्रश्न थोड़ी है, ये तो शिकायत है आपकी, तो आगे पीछे भी कर सकते थे, कर देंगे उसको, ठीक कर देंगे, ये प्रश्न नहीं है। नहीं तो संस्कार तो बन रहे हैं ना। हाँ तो ठीक कर देंगे महात्मा जी, आगे प्रश्न पूछो कोई। ओके धन्यवाद। हाँ जी चल इधर चल, इधर दो हाथ उठा रहे थे। हाँ बोल। ओम दीदी जी माइक दे दो इधर, आप बोल। एक जैसे कल मतलब जो मांसाहार भक्षण करते हैं उनके ऊपर एक बात आई थी कि जो मांस खाते हैं तो उनके अंदर अनेक प्रकार के संस्कार जाते हैं, है ना? तो फिर ये जितने भी हमारे जो फिल्म इंडस्ट्रीज बॉलीवुड है उनके जितने ज़्यादातर नायक और नायिकाएं, इनका ज़्यादातर भोजन मांसाहारी ही होता है, फिर भी दुनिया के लोग इन्हें फॉलो करते हैं, क्यों? आप करते हो कि नहीं? मैं नहीं करता। बस खत्म, प्रश्न खत्म। तो इतना बड़ा संसार है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको फॉलो करेगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा करेगा। हम तो बात यहाँ की कर रहे थे, शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में। अपने को यदि अच्छा नहीं लगता है तो अपने को नहीं करना है मांसाहार, ठीक है? देखो कभी भी आप प्रश्न है ना दूसरों का नहीं पूछेंगे जी, वो तो ऐसे करते हैं, उनको करने दो, अपने को क्या करना है। अपन उनकी सहायता कर सकते हैं तो करेंगे। स्वामी जी महाराज ने योग के माध्यम से कम लाखों लोगों का मांसाहार छुड़वा दिया। देखो हमारे पास ये तो खैर पश्चिम बंगाल में तो मतलब उसको मांसाहार मानते ही नहीं है, जल तुरई बोलते हैं ऐसे भी, उनका मतलब वो पारंपरिक आहार है चावल मछली, शादी हो तो भी भेंट में वो ही देते हैं, शगुन है वो ना दे तो अपशगुन माना जाता है, सगाई हो शादी हो तो भी। ऐसे लाखों लोगों ने छोड़ दिया जब उनको समझ में आ गया, तो हम अपनी बात कहें और आगे बढ़ जाएं, वहां रस्साकस्सी नहीं करनी हमें कि ये क्यों करते हैं, और जब तक ये नहीं छोड़ देंगे मैं आगे कदम बढ़ाने का नहीं, तो वे बोलेंगे कि ठीक है तू यहीं रह, हम छोड़ने वाले नहीं है। हाँ जी चल। ओम दीदी प्रणाम जी। कल हम पढ़ रहे थे आशा पाश स्थिर बद्धा, आशा पाश शतैर बद्धा जी। हाँ। तो आशा करना और क्या अपेक्षा करना, कामना करने, तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? आशा अपेक्षा करना और कामना करना, ये तीनों एक हैं या अलग अलग हैं दीदी? आशा थोड़ा सा उत्कृष्ट रूप है, अपेक्षा और कामना तो एक ही है। अपेक्षा करना चाहिए या नहीं करना ना, चाहिए? अगर सुख चाहे तो नहीं करना चाहिए, और दुख चाहिए तो जरूर करना चाहिए। अगर किसी को अपने जीवन में दुखों से भरना है तो खूब कामनाएं करें, खूब अपेक्षाएं रखें दूसरों से, और यदि दुख को हटा के सुख भरना है अपने जीवन में तो कामना और अपेक्षा ना करें। लोक व्यवहार में देखा जाता है जैसे माता पिता अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो क्या वो अपेक्षा माना जाएगा या अपेक्षा मानी जाएगी या कुछ और? वो तो माता पिता ही बता सकते हैं,
कि उनकी अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं या सद्भावनाएं हैं अपने बच्चों के प्रति? हमारा पुत्र ऐसा हो, हम ये कामना करते हैं। वो उनका भाव कैसा, वो व्यक्ति ही बता सकता है। बाहर से हम उसको एक तरफा निर्णय नहीं दे सकते हैं कि ये गलत है कि सही है। अब किस अपने बच्चों के लिए यदि सत्कामना करते हैं, हमारे बच्चे लायक बने, सब प्रकार की सुख समृद्धि इनके जीवन में आए, ऐश्वर्य आए, सुयश आए, तो ये उनका आशीर्वाद भी हो सकता है। और जब तक इनका नहीं आएगा तब तक हमें शांति नहीं मिलने की है, तो फिर ये उनकी कामना है। तो दोनों ही देखा जाता है आजकल तो, जो है ना, बच्चों का, बच्चों से पूछते हैं वो जब अपना वो कार्ड लेके आता है ना मार्क्स का, कि मेरे को इतने नंबर आए, मेरे को 90% आए या 95 आए, तो पूछते हैं कि और क्लास में किस किस के आए, कितने आए? बोले नहीं, क्लास में तो सबसे ऊपर मेरे ही आए। बोले हाँ, फिर बिल्कुल ठीक। और जबकि ये बच्चा ले सकता था 99 और लेके आया 90, 9% कम लेके आया, लेकिन क्लास में सबसे अव्वल है, तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा, होना रहे। और उसकी बेचारी की दिमाग की कैपेसिटी थी 70-75% लेने की, और लेके आया 85-90, कितना मेहनत करके। फिर पूछे क्लास में और सबके कितने आए? बोल जो फर्स्ट था उसके तो 99 आए, बाकी 8-9 लड़के हैं उनके 90 से और 97, 8, 3, 5 ऐसे बीच में आए, तो मैं 10 में 11 नंबर पे हूँ। तो हमें तो पहले ही पता था, तो कुछ करता ही नहीं है, पूरे दिन तेरे को कार्टून देखने की पड़ी रहती है। वो बच्चे नहीं है, मतलब ये बेचारा 75% ले सकता था, कितनी मेहनत करके वहां तक लाया, फिर भी नाराजी होते हैं। और फिर वो अपने पति को बताती हैं, अपने भाई को बताती हैं, किस किस को बताती हैं कि मैं, आप लोगों ने बिगाड़ रखा है इसको, मैं तो पहले ही कहती हूँ कि ये किसी ना किसी दिन नाक कटवाएगा इस खानदान की, ये लड़के के अच्छे लक्षण नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। और वो बच्चा इतनी मेहनत करके आया था, मतलब उसका पूरा वो ढह जाता है, अरमान ही ढह जाते हैं भविष्य के। तो इससे पता लग रहा है कि माता पिता की कामनाएं हैं, और वो अपनी खुशी के लिए उसको बेचारे को परेशान कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो जो सद्भावना आशीर्वाद होते हैं ना माँ बाप के, वो एक बार बच्चे के कम भी नंबर आ गए या बच्चे से कोई नुकसान भी हो गया, तो माँ बाप ये कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, आप हो ना तो और मेहनत करो। एक क्या नाम है उनका, ये जो है अपने सिकंदर, जो विश्व विजयी बना, तो पढ़ाई में होशियार नहीं था बचपन में, तो स्कूल गया और उसको कुछ आया नहीं पढ़ाई में, तो उनकी टीचर ने इनकी माँ को फोन किया कि आपका बच्चा कुछ नहीं पढ़ता है और हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, आप इसको अपने घर में रखें। ऐसे उन्होंने लिख करके दे दिया, बच्चा अभी पढ़ नहीं पा रहा था, गया ही था स्कूल अभी, इसको तो पता नहीं क्या लिख के दिया, इसी के हाथ में दे दिया। तो इसने आके अपनी माँ को दिया, माँ ने उसको पढ़ा और तुरंत वो जो है ना, उसने अपने भावों को प्रदर्शित अपने चेहरे पे नहीं आने दिया। तो फिर इस बच्चे ने पूछा कि क्या लिखा है इसमें माँ, मेरे टीचर ने क्या लिखा है? बोले आपके टीचर ने ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना होनहार है, इतना ब्रिलियंट है, कि हमारे जो टीचर्स है ना उनके बस की बात नहीं है इसको पढ़ाना, तो आप ही इसको पढ़ा सकती हैं, क्योंकि आपने ही इसको पैदा किया है, या किसी और ऊंचे ब्रिलियंट टीचर को लगाओ इसके ऊपर, ऐसे लिखा है। तो वो संस्कार बन गया उसके दिमाग में कि मैं तो बहुत ब्रिलियंट हूं, मैं बहुत ऊंची शिक्षा वाला विद्यार्थी बनूंगा, और बस वो बैठ गया तो बैठ गया, फिर वहां से संस्कार बनते चले गए। ये सत्कामना, सद्भावना, आशीर्वाद है। और जो खुद नहीं कर पाए अपने जीवन में, उनको बच्चों को कहते हैं कि तुम खाओ भी मत, पियो भी मत, सो भी मत, इसको करो तो हमें शांति मिलेगी, तो फिर वो कामना और अपेक्षा हो जाएगी। और ऐसा कोई भी आत्मा किसी दूसरे के लिए कर नहीं सकता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि जितना वो बच्चा कर सकता था खुशी खुशी से, वो उतना भी नहीं करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर दोनों का नुकसान होता है, माँ बाप का भी होता है, बच्चे का भी होता है।
तो किसके अंदर क्या भावना है ये वो व्यक्ति बता सकता है, एक तरफा निर्णय नहीं दे सकते हैं उसका। लेकिन कामनाएं तो दुखदायी होती हैं, ये ध्रुव सत्य है। अपेक्षाएं कामनाएं, उनका तो परिणाम दुख ही आएगा। क्यों आएगा उनका परिणाम दुख, क्यों आएगा? कल बताया था ये, आशाओं का अपेक्षाओं का परिणाम दुख क्यों आएगा? कामनाओं, हाँ, क्योंकि उनको कभी पूरा नहीं किया जाता। दुष्पूरे ऐसे आया था ना, उसको हम पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे भी तो उससे बड़ी कामना पैदा और हो जाएगी फिर, तो उनको पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका परिणाम दुखदायी ही होगा, अपेक्षाओं का कामनाओं का। और कौन था पीछे जी? इधर बहनों को एक माइक दे देना। जैसे अभी प्राण का बताया, प्राण हमारे शरीर की चिकित्सा करते हैं, तो ऐसे ही जैसे मन कभी दुखी होता है या मतलब जैसे भक्त होता है ना भगवान के लिए तड़पता है, तो भी प्राण वहाँ पे काम करते हैं। और क्या, वो कैसे? प्राण शांत करता है। आपने उनकी कहानी नहीं सुनी च्यवन ऋषि की, जो जर्जर शरीर हो गया था बिल्कुल 70-80 साल के वृद्ध, और फिर अश्विनी कुमारों ने उनकी चिकित्सा की तो वो 18-19 वर्ष की युवा जैसे हो गई। तो यूं कहते हैं दीदी, उन्होंने च्यवनप्राश खिलाया था इसलिए। च्यवनप्राश तो वैसे खाया होगा, अश्विनी कुमारों ने भी तो चिकित्सा की, ऐसे नहीं सुना। च्यवनप्राश का तो उन्होंने फिर आविष्कार किया, वो खुद खाते थे च्यवनप्राश, तो वो उनके नाम से ही प्रसिद्ध हो गया, उनकी आहारचर्या उन्होंने बदल ली। पर उनकी चिकित्सा किसने की थी? अश्विनी कुमारों ने की थी। पूरी कहानी सुनी है ना उनकी, च्यवन ऋषि की? वो तप कर रहे थे कहीं जंगल में, और कहीं नहीं उधर कर रहे थे, डोसी का पहाड़ देखा है आपने, महेंद्रगढ़ नारनौल, वहां था उनका। तो वो जो एरिया है वो दीमक वाला एरिया है, अभी भी ऐसा ही है वहां पे। कोई पुस्तक यदि आपने बाहर छोड़ दी ना तो सुबह मिट्टी मिलेगी, पुस्तक नहीं मिलने की, इतनी दीमक है वहां पे। तो ऐसे बैठे थे तो उनके पूरे शरीर पे वो लग गई, दीमक लग गई, संप्रज्ञात समाधि में चले गए। तो वहां तो जरूरी नहीं है कि कोई 10-15 साल तपस्या की होगी, अगर वो 12-14-20-24 घंटे भी उसमें रहे होंगे तो भी लग जाएगी, वहां इतनी दीमक है। तो वहां के जो राजा थे वो शिकार करने गए थे पूरी अपनी उसको सेना को लेकर के, उनकी बेटी भी साथ थी, उसकी सहेलियां भी साथ थी, तो वो उधर घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा ये मनुष्य की आकृति का टीला बना हुआ है इसका, और उसमें कुछ वो चमक रहे थे दो आंखें। तो उन्होंने ऐसे समाधि लगाई होगी आंखें खोल के संप्रज्ञात समाधि, और उसने तिनका दे दिया, उसने क्या है इतना चमक रहा है, तो ये उसके साथ खून आया एकदम से, और उसकी समाधि टूट गई, ऋषि की आंख फूट गई ना उसकी, दोनों आंखें फूट गई, उसने दोनों में तिनका दिया। बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं ना उल्टे सीधे, उसकी समाधि टूटते ही फिर वो नाराज हो गया और उन्होंने शाप दे दिया तुरंत, जिसने भी मेरी आंखों का ये बुरा हाल किया है उसके पूरे खानदान को दारुण दुख प्राप्त हो, ऐसे कह दिया उन्होंने। तो वो पूरी सेना के जो मनुष्य थे, घोड़े थे, हाथी थे, सब के बहुत पेट में पीड़ा होने लगी। तो सब हाहाकार करके राजा के पास आई, तो राजा ने कहा कि ये कोई फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई गलती हुई है किसी से। वो इस तरह से विचार विमर्श कर रहे थे तभी उनकी बेटी दौड़ करके आई, उन्होंने वो कह ही रहे थे कि भाई पता लगाओ किसी से कोई अपराध तो नहीं हुआ है। तो उसकी बेटी ने कहा कि मुझे अपराध का तो नहीं पता, पर हम वहां घूमने गए थे तो कोई चमकती हुई दो चीजें थी, हमने उसमें जैसे ही तिनका डाला उसमें से खून आया, तो हो सकता है वहां किसी प्राणी को कष्ट मिला हो। तो वो सब मिल करके फिर वहां गए, उसको मिट्टी को हटाया तो उन्होंने देखा ऋषि हैं ये। तो उन्होंने बताया कि ये भूलवश ऐसे हो गया, आप क्षमा कर दो।
तो उन्होंने कहा क्षमा कुछ नहीं होता, मेरी दोनों आंखें चली गई, मेरी दिनचर्या, मेरा काम सब वो कौन करेगा। तो इससे पता लगता है कि शायद उनकी एक दो दिन की समाधि लगी होगी, क्योंकि वो अपना यज्ञ हवन आदि सब करते थे। तो उन्होंने कहा मेरी दिनचर्या में बाधा पड़ेगी, तो ये दंड इसका यही है, जिस व्यक्ति ने ये अपराध किया है वो व्यक्ति मेरी सेवा में नियुक्त कर दिया जाए। राजा को तो बोले जी मैं सैकड़ों नौकर लगा दूंगा, पर आप उस व्यक्ति को मत लगाओ, क्योंकि वो मेरी बेटी है, तो कैसे आप यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ निर्जन वन में उसको। तो उनकी बेटी ने कहा कि आप पिताजी चिंता मत करो, मैं करूंगी इनकी सेवा। तो वो बोले कि सेवा तो ना अपनापन से होती है, ऐसे कोई किसी की सेवा नहीं करता है, जब अपनापन जुड़ता है ना किसी के साथ तब सेवा की जाती है। तो इसकी शादी मेरे साथ करोगे, ये मेरे को पति रूप में स्वीकार करेगी तो मेरी सेवा करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये अगली मुसीबत, वो इतने बुजुर्ग बुढ़े आदमी, ये राजकुमारी, इतनी कैसे शादी की जाए, और राजा के कितने अरमान रहे होंगे। तो भी उस लड़की ने बड़ी हिम्मत दिखाई, सुकन्या नाम था उसका, उन्होंने कहा कि मैं करूंगी इनके साथ शादी करके ही इनकी सेवा करूंगी, क्योंकि मैंने अपराध किया है और मैं तप करूंगी, आप सब ये ले जाओ, मेरे वस्त्र आभूषण आदि सब ले जाओ। और उन्होंने अपना सिंपल से कपड़े पहन लिए और सेवा करने लगी वो। ये दुखी मन से सब चले गए राज परिवार के लोग। तो वहां एक नदी है पास में ही, वो वहां से वो पानी वानी लाती थी और उनका हवन आदि का सब तैयारी कर देती, फिर वो आके हवन करते थे, उनका खाना पूरी सेवा करती थी। तो राजकुमारी थी, तो कहते हैं कि जैसे वो नदी पे पानी भरने के लिए गई तो अश्विनी कुमार वहां पर आ गए, जो देवों के वैद्य माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम कितने सुंदर हैं, आप हमारे साथ शादी कर लो, वो बूढ़े आदमी के साथ क्यों शादी करके आप जीवन बर्बाद कर रही हो। उसने कहा वो मेरे पति, ऐसे नहीं बोलना उनके बारे में, बुढ़ा आदमी ऐसे नहीं बोलना, अभी तो बोल दिया, अगली बार बोला तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तो डर गए शाप के नाम से। फिर तो वो जैसे ही आई तो उसके पीछे पीछे आए, उन्होंने उसने कहा कि मैं आपको तभी, हाँ उसने शाप दे दिया कि जिसको आप बुढ़ा कह रहे हैं ना, तो आप जब तक उनको ठीक नहीं करेंगे आप यही इस पृथ्वी लोक पे ही रहेंगे, आप स्वर्ग जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक, हम ठीक कर देंगे, तू हमारे को जल्दी से वो दिखा रोगी, हम अपने परम धाम में जाएं, यहाँ कहाँ जंगल में हमें रख दिया। उन्होंने जाके देखा, उनकी चिकित्सा शुरू की और उनकी दृष्टि भी लौट आई और उनका जो जर्जर शरीर था वो 18-19 वर्ष के किसी युवा जैसे वो शरीर हो गया। तो वो लड़की फिर लेके गई अपने पिता के पास, उनको ऋषि को, पिता देखते ही नाराज हो गए, लड़की ने तो बिल्कुल ही नाक काट दी। ऋषि के साथ इसकी शादी करके आए, ऋषि को छोड़ के किसी और के साथ शादी करके हमारे पास आ गई है, और नाराज हुए। तो वो बोले कि आप मेरी बात तो सुनो, कुछ नहीं सुनना हमें, किया क्या तूने, उसी समय मना कर देती, बात तो सुनो, कुछ नहीं सुनना, चली जाओ यहां से। तो उसी ने ही बोला कि वो मैं ही हूं जिसके साथ शादी की थी। उसने कहा आप कैसे हो सकते हैं, हमने तो ऋषि के साथ, मैं ही ऋषि हूं, तो आपका ये कैसे कायाकल्प हो सकता है। तो फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। ये है समझाने के लिए कथा।